दोस्तों अभी हम जा रहे थे खारदुंग वैली, रास्ते में हम रुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या जबरदस्त स्नो पड़ी हुई है। अभी रास्ते में स्नोफॉल भी हल्की हल्की हो रही थी, तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है हमें, एक दो घंटे और लगने वाले हैं। अभी और ऊंचा है यहाँ से, तो सोच सकते हो क्या आपको बर्फ मिलने वाली आगे जाके। ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन लेवल कहाँ है भाई, बोलने बोलने में ऑक्सीजन जो है ना वो कम पड़ जा रही है और बर्फ पूरी पूरी गिरी हुई है। तो रोड जो है वो अभी पीछे रास्ता जो था ना बिल्कुल साफ था, बिल्कुल पक्की रोड थी, मगर अभी यहाँ से जो है ऑफ रोड यानी कच्ची रोड शुरू हो गई है। तो हमारे दोस्त वहाँ लगे हुए फोटो खिंचाने और मैं लगा हूँ व्लॉगिंग करने। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ किस तरीके का पूरा रास्ता होने वाला और कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अभी तो दोस्तों हमने बर्फ देखनी शुरू करी है ना, करी है। अभी रास्ता यहाँ से 2-3 घंटे का बचा हुआ है बिल्कुल, और सोचो दोस्तों कितने ऊपर हम पहुँचने वाले हैं अभी फिलहाल। और ऑक्सीजन की कमी यहीं से हमें महसूस होनी शुरू हो गई है बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों हम आपको आगे का पूरा मंजर दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया है ना, तो सर्दी की पूरी फीलिंग आ रही है, पूरी 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 वो पूरी आ रही है और बर्फ में तो अलग ही मजा है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे खारदुंगला, जहां पर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। जी हाँ दोस्तों, ये लैंडमार्क देख सकते हैं आप, यहां पे है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है। अभी हम वहाँ पे एक लैंडमार्क फोटो भी खिंचवाएंगे, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की। और स्नोफॉल पे कैसा मजा आ रहा है? रेगुलर चल रही है, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है हमें, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है, इन सब चीज़ों को वो मार दे रहा है। तो लो जी दोस्तों, जो हमारी ख्वाहिश थी बर्फ में आने की वो भी पूरी होती हुई, देख रहे हो क्या जबरदस्त बर्फ गिरी हुई है। आजो भाई, सबके साथ फूल चुके हैं और सब भारी हो चुके हैं, सर भारी हो चुके हैं, सांसें फूल चुकी हैं और हल्का हल्का एहसास स्नोफॉल है, बहुत बिल्कुल हल्की 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 स्नोफॉल हो रही है भाई, मौसम बड़ा जबरदस्त है, कुछ भी कहो मजा आ गया। तो दोस्तों खारदुंगला से तो हम आ गए थे, अभी जा रहे हैं नुब्रा वैली, आज हमारा स्टे है यहाँ पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है क्या जबरदस्त सीन, देख रहे दोस्तों क्या पहाड़ है आगे। और ये जो पीछे पहाड़ है ना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, और अभी हमारे मिल्खा जी अभी पीछे ही एक्सपायर हुए थे, तो इस मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। पीछे देख सकते हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे शूटिंग हुई थी, जब वो टायर बांध के भागते हैं ना उसके पीछे, यहाँ पे वो शूट हुआ था। तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए कि कहाँ पे वो शूटिंग हुई थी, काफ़ी अच्छी जगह है, खुली डुल्ली आप देख सकते हो, दूर दूर तक पहाड़ है। और यहाँ की पहाड़ों की एक चीज़ बताओ दोस्तों, यहाँ पे एक भी पहाड़ पे पेड़ नहीं है, पूरा का पूरा सूखा है। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखिए दोस्तों नुब्रा वैली में किस तरीके से सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं नुब्रा वैली और ये चल रहे हैं हमारे आगे विशाल सर, हमारे दोस्त बाकी सारे आगे निकल चुके हैं मैं छोड़ के। देखिए पीछे का माहौल देखिए दोस्तों, धूप पड़ रही सीधे पीछे का माहौल देखिए क्या जबरदस्त है, इस तरफ है सारा सैंड ड्यून। और एक चीज बताता हूँ, हम ले आए और ले में हमें क्या क्या देखने, बर्फ मिली, पानी मिला, अभी पूरा रेगिस्तान, पूरा का पूरा जो एरिया है ना, 3-4 चीजें हमें बड़ी जबरदस्त मिली, देखिए बर्फ में भी खेल लिया हम, अब हम रेत देखते हैं रेत में क्या करने वाले, बड़ा मजा आने वाला, आगे है पूरा रेती रेत, ये देखो। चलिए आगे चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ किस तरीके का पूरा व्यू है, बड़ा मजा आने वाला दोस्तों, ये देखो। यहाँ
यहाँ चारों तरफ आपको रेत ही रेत देखने को मिलेगी। ये सारी जो रेत है वो चट्टानों को कट करके यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और दोस्तों शाम को हम पहुंचे अपने टेंट हाउस में, जिसे हमने पहले से ही बुक कर रखा था। तो टेंट के अंदर भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके का माहौल है। काफी अच्छी तरीके से टेंट बनाए हुए हैं। ये देखिए एंट्री करती मैंने, यहाँ पे एक सेटिंग अरेंजमेंट की हुई है चेयर और टेबल के साथ। और ये अंदर जाते ही ये हमारा बेड है, ये देखिए बेडिंग सिस्टम करी हुई है। और इस तरफ वॉशरूम्स हैं, अभी फिलहाल मैंने भी देखा नहीं है। ये देखिए टेंट के अंदर ही इन्होंने सारा सेटअप कर रखा है। यहाँ पे कमोड और यहाँ पे वॉश बेसिन है। तो ये सारे टेंट्स हैं, दोनों तरफ इन्होंने टेंट बनाया, बीच में पास बनाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। और पहाड़ियों के बीच में देख सकते हो आप किस तरीके से इन्होंने सेटअप किया हुआ, पूरे पहाड़ है और बीच में इन्होंने पूरा कैंप सेटअप किया हुआ है। सो लो जी दोस्तों, अब हमारा यहाँ चल रहा है बॉनफायर, यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए जरा क्या मज़े ले रहे हैं अंधेरे में। मे भी शायद शक्लें ना दिख रही हों, लाइट कम है थोड़ी यहाँ पे, और एंजॉय चल रहा है भाई लोगों, बढ़िया। सो बस एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। अब मैं बता नहीं सकता हम क्या एंजॉय कर रहे हैं ठीक है मगर इनमें से कई हैं जो ठीक ठीक बंदे भी हैं, कई हैं हम मेरे जैसे बंदे। हाँ चाय भी पी रहे हैं, देख जूस यहाँ चल रहा है जूस, और मैं अपना ड्रिंक खत्म कर चुका हूँ। तो बस इंजॉय चल रहा है, या बॉनफायर लगाओ, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो इस बॉनफायर के साथ हम लोग इंजॉय करेंगे, अपनी नाइट खत्म करेंगे। और कल हम कहाँ जाएंगे? पैंगोंग लेक जाएंगे कल, और वहाँ का आपको भाई मज़ेदार दृश्य दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ चलेंगे और वहाँ इंजॉय करेंगे। तो आज की नाइट हम यहीं क्लोज करते हैं और दोबारा मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में। दोबारा आपको दिखाता हूँ किस तरीके का पूरा व्यू है ना। चलो जी अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये देखिए मेरे पीछे है पैंगोंग लेक। जी हाँ दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ सुबह सुबह पैंगोंग लेक पे, और बड़ा ही गजब का नज़ारा है, बड़ा मज़ेदार। ये देखिए पीछे है हमारे ये पहाड़ जिन पे जमी हुई है बर्फ़, ये देखिए। और ये सामने बिल्कुल साफ पानी दोस्तों, साफ पानी में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देख रहे हो। और दोस्तों ये वो पॉइंट है पैंगोंग लेक का जहाँ पे थ्री इडियट्स मूवी का क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ था। काफी बढ़िया जगह है दोस्तों। तो लिए दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लेह के माल रोड पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे माल रोड है, ये पूरी मार्केट। और यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं ऑथेंटिक मोमोज। जी हाँ दोस्तों, मटन मोमोज हम सर्च कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ किस तरीके की हमें आइटम्स खाने को मिलती है ना। क्या हो गया सारे थके? किप्टन कुजीन्स। जी दोस्तों अभी हम बड़ी दूर से चल के आए, थक गए ना सारे? नहीं ठीक हो, हम कम से कम पहाड़ पे अभी चल के आए कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हम ढूंढ रहे हैं मोमोज खाने को, भूख लगी बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, अब खाएंगे मोमोज। चलिए ढूंढते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके के मोमोज हैं, आइए। हमारे विक्रांत भाई सूप टेस्ट करके बताएंगे किस तरीके का है। कुछ करो जी, करो कैसी खुशबू? तो बहुत अच्छी है, मस्त खुशबू, बढ़िया मस्त है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ किस तरीके का है। ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त क्वांटिटी है, और इसमें दिखाना था एक बार, ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त क्वांटिटी है, और ऊपर से पूरा चिकन डाला और वेजीज, और साथ ही साथ ये देखिए दोस्तों नीचे है हमारे नूडल्स, वाह देख रहे गर्मा गर्म, ओके। और साथ ही साथ ये देखिए वेजीज में सारी तरीके के वेजिटेबल्स भी हैं, मशरूम भी है, मटर भी है। तो भाई अब रहा नहीं जा रहा, अब इसको करते हैं टेस्ट। तो पहले तो मैं सूप टेस्ट करता हूँ किस तरीके का है। विक्रांत भाई ने तो हमें बता दिया कि सही है ना, इसको भी टेस्ट करते हैं, एक चिकन का पीस लेते हैं और टेस्ट करते हैं किस तरीके का। ओहो गर्मा गर्म, टेस्ट बिल्कुल छोटा सा है, चिकन फ्लेवरफुल आ रहा है चिकन का, बहुत बढ़िया भाई। 2-3 दिन हमने ट्राई किया मगर ये वाला जो सुखा वो बना, ये वाला नहीं मिला, हमने पहले भी ट्राई किया था। नूडल्स भी हैंडमेड है, सेल्फ मेड है इनके, बाहर के नहीं है। ये देखिए अलग से ही है बिल्कुल, है ना, इसकी जो वो होती है ना जो पतला है कि मोटा है, जैसे तो काफ़ी मोटे। और मटन मोमोज का कैसा टेस्ट है वो भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा मटन मोमो, इसको तोड़ के दिखाता हूँ, आइए पास आइए। वाह
ये देख रहे हो स्टफिंग देखो इसमें मोमोज की, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको करता हूँ टेस्ट। ये हमने ले लिया दोस्तों लाल चटनी, एक ले ली है हमारी मिर्च वाली और एक है हमारी मीठी वाली, तो दोनों को लगाते हैं। आलू हाँ मैं भी आप भी खाओ, चटनी जबरदस्त है। बढ़िया होनी चाहिए तीखी, और ये वाली हाँ ये वाली चटनी बिल्कुल तीखी, मस्त मज़ेदार और स्टफिंग भी काफ़ी बढ़िया।